दिल्ली के छतरपुर में स्थित वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट के द्वारा मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का आयोजन किया गया। ये आयोजन गिनी कपूर और गगनदीप कपूर के द्वारा किया गया, जिसमें काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया और अपना जलवा दिखाया। गिनी और गगन का ऐसा मानना है कि जो महिला घर पर रहती है और अपना प्रतिभा नहज दिखी शक्ति उसे जीवंत अवधारण मौका देता है और देता रहेगा। माय नेम इज गिनी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट्स एंड डायरेक्टर ऑफ मिस इंडिया गैलेक्सी एंड दिस इज इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट पेजेंट व्हिच सपोर्ट्स द कॉज स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट के द्वारा कितना ज़्यादा काम पिछले कुछ वर्षों में किया गया है? अपने आप में अपनी तारीफ कितनी करूँगी ये तो बनता नहीं है, पर फिर भी सिंपली अगर बताया जाए तो हमने काफ़ी सारी महिलाएं जो छोटे छोटे शहरों से और घर पे रहने वाली कुछ वर्किंग वुमेन, इन सबको बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने की कोशिश करी है और उनको ट्रेनिंग दी है कई तरीके से और आगे लेकर आए हैं, जिसके बाद काफ़ी सारी महिलाओं की ज़िंदगी बहुत चेंज हुई है। बहुत से फैशन शो आए दिन दिल्ली में होते रहते हैं, मिस मिसेज मिस्टर किड्स फैशन शो। वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट के द्वारा मिसेज गैलेक्सी इंडिया किस तरह से सबसे अलग है? मिसेज इंडिया गैलेक्सी इसलिए सबसे ज़्यादा अलग है क्योंकि मिसेज इंडिया गैलेक्सी की विनर 2018 की विनर मिसेज यूनिवर्स में आज तक सबसे ज़्यादा मुकाम हासिल कर आई है, तो वो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है क्योंकि किसी भी इंडियन महिला ने तो आज तक अचीव नहीं किया। आज का जो कॉम्पिटिशन है कितना टफ होने वाला है? बहुत टफ है बिकॉज अभी प्री फिनाले हुआ था टैलेंट राउंड, उसमें हमने देखा कि एक से बढ़कर एक है, सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है, इन्होंने बहुत तैयारी करी है। आपने जो कंटेंटेंट्स बुलाई है वो सर्च कैसे की और कहाँ कहाँ से कंटेंटेंट्स आई है? तकरीबन 16,000 एप्लीकेशंस, उसके बाद में काफ़ी सारे राउंड्स और स्टेज बाय स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, एलिमिनेशन प्रोसेस, उसके बाद जाके तकरीबन 80 कंटेस्टेंट्स फाइनलिस्ट सिलेक्ट हुए। जज का पैनल कैसे सिलेक्ट किया आपने और कौन कौन है इस पैनल में? जूरी के अंदर इंटरनेशनल विनर्स हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के विनर्स हैं, टॉप बॉलीवुड सिंगर्स, सेलिब्रिटीज और फैशन वर्ल्ड से लोग हैं। यहाँ से जो विनर होंगे वो आगे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरी तरफ से तो सभी विनर है क्योंकि ट्रेनिंग भी मैंने करी है कई सारे एरियाज़ की, तो मुझे तो सब लोग एक जैसे लगते हैं क्योंकि हम सोचते हैं अगर अपना कंपैरिजन सबसे ज़्यादा कंपटीशन खुद से ही होना चाहिए। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, आई एम अमिता पंडा, मिसेस यूनिवर्स 2019। सो दिस वॉज द फाउंडेशन ऑफ माई जर्नी मिसेस इंडिया गैलेक्सी। आई वॉज अ विनर ऑफ मिसेस इंडिया गैलेक्सी बैक इन 2018। आफ्टर दैट कॉन्स्टेंट मेंटरशिप ऑफ गगन सर एंड गिनी मैम। 2019 में आप जीती थी और आज उसी फेडरेशन के द्वारा 2021 का शो होने जा रहा है, दो साल के कैसा लग रहा है आपको? इट्स फीलिंग वंडरफुल बिकॉज दिस पेजेंट हैज ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। इट्स ट्रांसफॉर्म लाइक इट्स ए पेजेंट फॉर मैरिड वुमेन हु आर ऑल बिजी इन देयर ओन लाइफ, दे हैव फॉरगॉटन व्हाट इज देयर रियल वर्थ। So this pageant makes them realize that you are something unique. So you need to. के लिए क्या कहेंगे? They are wonderful persons. Like they motivate you, guide you, steer you, bring out the best version of. ओ छड़ झगड़ा सोनी सूरत दा, छड़ झगड़ा सोनी सूरत दा, तू इस मिट्टी दी मूरत दा। नया सॉन्ग मेरा सोनी सूरत आजकल स्टार्ट हुआ है। क्या कहना सर मिसेज गैलेक्सी के बारे में? मिसेज गैलेक्सी वाइब्रेंट बहुत ही वर्षों से चल रहा है और आई एम वेरी हैप्पी दैट दीज गाइज आर वेरी मच डेडिकेटेड, वेदर दे आर डूइंग शोज इन इंडिया और दे आर डूइंग शोज अब्रॉड, बहुत ही अच्छा करते हैं। और ये उसके अलावा ये दे मेक श्योर के जो कंटेस्टेंट है वो कहीं ना कहीं आगे पहुँचे, तो मेरी ऐसी टीम के साथ जुड़ के आई फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड लकी। मेरा नाम गगनदीप कपूर है और मैं वन ऑफ द डायरेक्टर्स हूँ वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट्स के और मिसेज इंडिया गैलेक्सी जो हमारा एक शो होता है। आज के प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए। आज के प्रोग्राम की बस फिनाले है मिसेज इंडिया गैलेक्सी का, जिसमें करीब 80 कंटेस्टेंट्स हैं और वो सब भाग ले रहे हैं और 4 दिन हो गए हैं हमें ग्रूमिंग सेशन करते हुए, बट इसका बहुत सारा काफ़ी इससे पहले भी ऑनलाइन सेशन चले थे क्योंकि आज का कोरोना का टाइम है, उसके लेते हुए हमने और पहले से ही ऑनलाइन सेशन लिए थे,
तो आज इसका फिनाले है। कोरोना तो, क्या बात कर रहे हैं, कोरोना पैंडेमिक के बाद सेकंड वेव के बाद इतना बड़ा शो कर रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात। हाँ, बहुत बड़ी बात, बिकॉज ये हमारे लिए भी बहुत, आफ्टर सो लॉन्ग हमने एक शो करा है और पॉसिबिलिटी हुई है और हम चाहते हैं कि सारा संसार सही रहे और वर्ल्ड इज शुड बी फ्री ऑफ कोरोना। जो जीतेगा उसको क्या इनाम दिया जाएगा? जीतने वाले का इनाम में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सबसे बड़ा इनाम वही है और इसके बाद में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उनको, जहाँ पे उनको मॉडलिंग करियर शुरू हो जाता है और काफ़ी चीज़ें इसके बाद में बहुत सारी चीज़ें और मिल जाती हैं। मिसेज यूनिवर्स तक जाने का मौका है यहाँ पर और उनको विदेश की ट्रिप भी है। कौन कौन सपोर्टर्स रहे इस शो में आपके? सपोर्टर्स इसमें हैं काफ़ी सारे, अब इसके अंदर में हमारे कुछ अपिया साड़ीज हैं, कुछ ज्वेलरीज वाले हैं और काफ़ी सारे और वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट का अपना ये वो है, तो हमारे सपोर्टर्स तो रहते ही हैं। मैसेज रहेगा उस मैसेज को जो आज गैलेक्सी इंडिया जीतने वाली है? उसको मैसेज यही रहेगा कि आज के बाद में आप हमेशा ही आगे तक का सोचते रहे और जर्नी इज जस्ट स्टार्टेड आफ्टर दिस एंड ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, आज से यहाँ शुरू होता है, अगर जीतते हैं तो उसके बाद में उसको और भी आगे तक जाने की तैयारी करें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गगन वर्मा, वाइब्रेंट मिस्टर इंडिया 2016, मिस्टर सुपर मॉडल यूनिवर्स 2016, PTC मिस्टर पंजाब 2019 एंड आई एम वर्किंग इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। माय लेटेस्ट सॉन्ग इज विद गौहर खान, नेम तोहमत जी। 2016 में आपने वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट के द्वारा जो शो हुआ था वो जीता था जी। 2021 है, 5 सालों के बाद चेंजेस क्या दिख रहे हैं? चेंजेस सबसे बड़ी बात तो ये है कि तब कॉन्फिडेंस बहुत कम था, कहने का मतलब ग्रूम किया हमें है ना वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट ने, वहाँ पे हम रहे क्योंकि एक फार्म हाउस में गए थे हम, वहाँ पे 1 वीक सारे पार्टिसिपेंट्स थे, हम वहीं पे रुके थे, तो इन्होंने सारी ग्रूमिंग की, हमें प्रॉपर सिखाया कि क्या चीज़ कैसे करनी है ना, तो उसके बाद वही एक्सपीरियंस को लेके मैं चल रहा हूँ, तो अच्छी सक्सेस हासिल कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा क्योंकि मेरा ये है कि मैं अभी भी इस टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इनके लिए आता हूँ। मिस्टर का भी कॉन्सेप्ट था लेकिन आज मिसेज इंडिया गैलेक्सी वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट के द्वारा रखा गया है जी, इसके लिए क्या किया? इसके लिए ये बोलूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि मौका दे रहे हैं ये, क्योंकि क्या होता है कि अब मिसेज का टाइटल ही हो गया ना, एक टैग लग गया मिसेज का ना, तो उसके बाद क्या होता है कि कई घर वाले बोलते हैं कि नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि एक नई फैमिली के साथ लेडीज़ अटैच हो जाती है ना, बट कहने का मतलब ये है कि ये एक सिखाता है कि वुमेन पावर क्या चीज़ है ना, कि हर किसी कोई एज नहीं होती है ना, कॉम्पिटिशन की लगा लो या मॉडलिंग की लगा लो या फैशन की लगा लो, कि हर एज का इंसान, चाहे वो लड़का है चाहे वो औरत है, जो भी है वो पार्टिसिपेट कर सकता है और इससे ये होता है कि वुमेन पावर में और पावर ऐड हो जाए। आई एम पूर्वा रानावत, मिसेज इंडिया गैलेक्सी रानावत 2017 एंड दिस इज़ अ वेरी गुड इवेंट। वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फ्रॉम हु जो तलाश करते हैं आफ्टर मैरिज, आफ्टर परिवार की जितनी भी जिम्मेदारियाँ, उसके बाद जब भी लड़कियों को ये लगता है कि हमने कॉलेज या स्कूल लाइफ में ये नहीं किया, कुछ मिस किया है, उन लड़कियों के लिए, उन लेडीज़ के लिए, उन मम्मीज़ के लिए और उन बहुओं के लिए ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। घर की गृहिणियों को प्लेटफॉर्म देना, बहुत बड़ी बात। जी जी, घर की गृहिणियों को, और जबकि ऐसा लगता है कि बहुत टैलेंटेड थी बट कहीं ना कहीं परिवार की जिम्मेदारियों के कारण ऐसा कुछ हुआ कि वो स्टॉप हो। मैं सुरभि, आई एम सुरभि जैन, आई हैव बीन एन एक्स विनर ऑफ मिसेज इंडिया गैलेक्सी। गिन्नी कपूर और गगनदीप कपूर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, जो भी है एक्चुअल में जो रियल निखार लेके आना है, इट इज़ ऑल अबाउट पर्सनालिटी, ब्यूटी पेजेंट। क्या मेहनत करनी पड़ी इस प्रोग्राम में? बहुत कुछ मैम ने, बहुत कुछ हमें सिखाया भी, 6 दिन के जो भी वर्कशॉप्स देते हैं यहाँ पे, पूरी तरीके से ग्रूम करके, हर 30 से ग्रूम करके आपको आगे निखारते हैं और यहाँ से हर कोई विनर बन के निकलता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही विनर अगर क्राउन लेके जा रही है, तो बहुत ही अच्छा निखार आता है। निखार सिर्फ गोरेपन का नहीं होता है, एक ओवरऑल पर्सनालिटी होती है जो यहाँ से एक माउल्ड होके जाती है। जैसे आप एक्स विनर रह चुके हैं, हाँ जी, तो आपकी पहली लाइफ में, इस लाइफ विनर होने के लाइफ में कितने चेंजेस? बहुत गजब वाले ट्रांसफॉर्मेशंस आए, एक कॉन्फिडेंस आ गया अंदर कि हाँ कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर जो दबा हुआ था जैसे इन्होंने बताया बहुत सही कि वो निखर के बाहर आया है, जो हमारे अंदर ऑलरेडी हर लेडी के अंदर होती है। ऐसा होता है ना, एक औरत जब एक बेबी हो जाता है तो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, पर वो निखार स्ट्रेच मार्क्स के इस प्लेटफॉर्म से हमें पता चला।